बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 8 जनरल साइंस में, कंटिन्यू टू द प्रीवियस टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में वो डिटेल स्टार्ट की थी। उसमें हम पढ़ रहे थे ब्रेन। तो हमारे पास ब्रेन का जो आखिरी हिस्सा होता है वो होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। उसका फंक्शन या उसका जो पोजीशन था वो कल हमने और डिटेल में क्लास में पढ़ा था। आज जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आखिरी जो उसका बेसिक पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड, वो डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज है, ये कहां से इमर्ज हुआ है, कहां से एराइज हुआ है, इसका लेंथ कितना है और इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले पॉइंट में यहां पर हमने लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड लोकेटेड इनसाइड द वर्टिकल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक अ ट्यूब इलांगेटेड स्ट्रक्चर है। किस चीज से बना है, मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। दोबारा वो न्यूरॉन की बात आती है तो ये डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे, पर आपको जहन में होना चाहिए कि न्यूरॉन जो है ये नर्वस सिस्टम का एक बुनियादी यूनिट है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है या ब्रेन है या जो नर्व्स होते हैं, वो तमाम चीजें किस चीज से बने हैं, वो न्यूरॉन से बने। कितने न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इस बात का मतलब यह है कि न्यूरॉन का साइज जो है ये इंतहाई छोटा होता है, इंतहाई स्मॉल साइज जो होते हैं ये न्यूरॉन है। तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। इसका लोकेशन कहां पर है, आपसे अगर कोई पूछे कि स्पाइनल कॉर्ड कहां पर है, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिकल कॉलम में होता है। वर्टिकल कॉलम जो बैक बोन होता है, बैक साइड पर जो बोन होता है, सबसे बड़ा जो सपोर्टिंग बोन है, उसमें इनसाइड अंदर जो है उसमें क्या मौजूद होता है, ये ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे बैक बोन में इनसाइड मौजूद होता है। कहां से ये अराइज होता है, मेन डेट के ये स्पाइनल कॉर्ड कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो बेटा जहन में याद रखिए इट एक्सटेंड फ्रॉम लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहां पर मैंने एम ओ लिखा है, एम ओ का मतलब है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। आपको याद होना चाहिए कि दिमाग का आखिरी हिस्सा कौन सा था। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बुनियादी तौर पर ये एराइज होता है, ये एमर्ज होता है, ये निकलता है किस चीज से, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट यहां पर यह है कि द लेंथ मे बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द बॉडी हाइट। जो लेंथ होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ये बॉडी हाइट के मुताबिक क्या होता है, बॉडी हाइट के मुताबिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है उसका जो हाइट जो है वो ज्यादा है, वो दराज या जो है वो कदकामत है, तो क्या होगा, उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लेंथ में ज्यादा होगा। अगर कोई बंदा है उसका हाइट जो है वो शॉर्ट है, तो शॉर्ट हाइट वाला बंदा जो है उसका स्पाइनल कॉर्ड भी साइज में शॉर्ट होगा। तो आप ध्यान में रखिए कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एक स्पेक्स जो है वो लेंथ नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये 20 इंच है, 22 इंच है और 25 इंच है, कितना है। तो बॉडी के हाइट के मुताबिक स्पाइनल कॉर्ड जो है ये लेंथ में वेरी होता है। अब आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ कि स्पाइनल कॉर्ड के बुनियादी काम क्या है हमारे जिस्म में। तो सबसे जो इसका पहला फंक्शन होता है, उसका पहला फंक्शन ये है कि स्पाइनल कॉर्ड एक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। दिमाग और हमारी तमाम बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन बनाता है वो असल में स्पाइनल कॉर्ड है। ये एक पुल का काम करता है। दिमाग से जितने मैसेजेस, जितने इंफॉर्मेशन, जितने इंपल्सिस
आपके बॉडी में जाते हैं, या बॉडी से इस तरह के तमाम इंपल्सिस इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आते हैं। तो ये किसके थ्रू आते हैं? ये आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो सबसे पहला स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है वो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड एक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तमाम बॉडी और आपके दिमाग के दरमियान जो पुल का काम करता है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। दूसरा, ये पॉइंट आपके बुक में नहीं है पर इंशाल्लाह शायद दिया जाए। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्तसर तारुफ जो है वो कल प्रीवियस क्लास में मैंने किया था। ये इंतहाई क्विक और इमीडिएट रिस्पॉन्स जो होते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। ये डिटेल टॉपिक ही कमिंग क्लास में पढ़ेंगे। नोट में यहां पर मैंने लिखा है कि इफ स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज पैरालिसिस अकर। क्या होगा अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए? तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने की वजह से क्या होता है, फॉलिक जो है या पैरालिसिस जो हम कहलाते हैं वो अकर हो सकता है या वो इंसान पर इफेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई डैमेज, कोई प्रॉब्लम या इसके नज़दीक या इसके ऊपर कोई ट्यूमर वगैरह आ जाता है या कोई एक्सीडेंट वगैरह में ये डैमेज हो जाता है, तब क्या होगा? तब पालन जो हम कहलाते हैं या पैरालिसिस जो हम कहलाते हैं जिसमें इंसान के बॉडी के पार्ट्स जो है वो मफलूज हो जाते हैं, वो बीमारी जो है वो इससे पर हो सकती है। तो यहाँ तक बेटा ये डिटेल में बात थी स्पाइनल कॉर्ड की। अब आते हैं दूसरा जो हमारा पोर्शन है आज की क्लास का, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपको वो फर्स्ट क्लास वाला स्केच याद करना होगा कि हमारे पास नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है CNS में और PNS में। आज हमने CNS खत्म किया, स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आखिरी टॉपिक था। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन नर्वस सिस्टम। तो बेटा आपको याद रखना है कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो चीजों से बना है। एक इसमें न्यूरॉन्स होते हैं और दूसरा इसमें नर्व्स होते हैं। नर्व्स वाले जो टर्म है या नर्व्स वाला जो वर्ड है ये हमारे पास इस क्लास में पहली बार जो है अब आया। तो नर्व्स क्या है? नर्व्स जो है ये दर्दनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, तारों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और तमाम बॉडी में जो है हर एक पार्ट तक इसकी रसाई होती है। ये कहाँ से अराइज होते हैं? हमारे दिमाग से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। एक दर्दनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, कम क्लासेस में हम जो है वो फिगर ड्रा करेंगे, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर याद रखिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये बना है न्यूरॉन्स से और नर्व्स से। अब न्यूरॉन्स इसमें दो किस्म के हैं, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूरॉन्स, एक टाइप न्यूरॉन्स जो है वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा टाइप कहलाता है मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान फर्क क्या है? बुनियादी फर्क आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेंसरी न्यूरॉन कैरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये मैसेजेस को, ये पैगामात को, ये इंफॉर्मेशन को, ये इंपल्सेस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लाते हैं। बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर हैं। एक कीमो रिसेप्टर होते हैं जिस पर हम जायका टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक पोटो रिसेप्टर होते हैं हमारी आंखें जिस पर हम चीजें देखते हैं। कुछ टच रिसेप्टर होते हैं, बेरो रिसेप्टर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम हमारे जिस्म में ये है कि ये मालूमात को रिसेप्टर से लेकर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक तस्वीर देखते हैं तो वो मालूमात सेंसरी न्यूरॉन के जरिए हमारी आंखों से, ये हमारी आंख रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, तो ये हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो ये काम है सेंसरी न्यूरॉन का। दूसरा, मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेते हैं और एफेक्टर की तरफ ले जाते हैं या एफेक्टर में ले जाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेजेस को लेते हैं और एफेक्टर की तरफ ये मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को वहां पर ले जाते हैं। एफेक्टर हमारे पास क्या चीज है? यहां पर दो टर्म सामने लिखे हैं, एक हमने लिखा है मसल्स, दूसरा हमने लिखा है ग्लैंड्स। मसल्स क्या है?
हम इस वर्ड से याद रखें जो है वो वाकिफ है। मसल्स हम सिंपली बेटा इसे मेरे केस के लिए कि मसल्स बॉडी के वो टिश्यू होते हैं जिसमें कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे जो हेयर्स होते हैं, हेयर को अगर आप कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर ये इसमें कंट्रक्शन की या रिलैक्सेशन की एबिलिटी नहीं है, पर अगर आप हमारे हाथ पांव हैं तो इसमें कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी है। इस तरह हमारा हर्ट है वो कंट्रक्ट होता है, रिलैक्स होता है। इस तरह हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, वो कंट्रक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ये मसल्स हैं। तो बॉडी में मसल्स जो है ये अट्रैक्टर की तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा ग्लैंड का वर्ड यूज हुआ है, तो ये वर्ड आपके लिए नया होगा। सिंपल इसके लिए बेटा ये याद रखे कि हमारे बॉडी में हर एक वो हिस्सा ग्लैंड कहलाएगा जिससे सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन जो भी चीज, जिस भी चीज का हो, कोई भी किस्म का सिक्रीशन, चाहे वो सलेवा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मुंह में जो सलेवा निकलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जुबान पर ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर होता है जिससे सिक्रीशन होती है। ये सिर्फ जनरल दोनों का जो है वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, दूसरा हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। तो यहाँ पर ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, इसका ये पार्ट हमने एक्सप्लेन किया। दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर है इसका नर्व्स। नर्व्स क्या है? नर्व्स हमारे या नर्व जो है ये वो दागनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी तमाम बॉडी में पहले हुए हैं, बॉडी के हर एक हिस्से तक जा चुके हैं। वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करते हैं और जो दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, वहां पर एफेक्टर की तरफ इंफॉर्मेशन या जो ऑर्डर जो है वो सेंड करते हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो वो भी नर्व्स के जरिए वहां पर जाते हैं। कितने होते हैं? सबसे पहला 12 जोड़े जो है 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं। क्रैनियल नर्व्स वर्ड जो है वो सिमिलर है क्रैनियम से। क्रैनियम सेकंड क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था, ये इंसानी खोपड़ी जो है हड्डियों का ये क्रैनियम कहलाता है। तो बेटा यहाँ पर याद रखिए 12 जोड़े हमारे पास क्रैनियल नर्व्स कहलाते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं? दीज आर एमर्ज फ्रॉम द ब्रेन एंड कवर द हेड एंड नेक। ये 12 जोड़े जो है नर्व्स का ये निकलते हैं इंसानी दिमाग से और जाते हैं कहाँ? ब्रेन, नेक में और हेड में, ये दोनों जगह जो है ये कवर करते हैं। 31 जोड़े जो है 31 पेयर राइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा 31 जोड़े जो है ये इंसान के स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और तमाम बॉडी में चले जाते हैं। बुक में एक फिगर भी है, जनरली यहाँ पर एक सिंपल सा स्केच जो है यहाँ पर ड्रा करते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक इंसानी जिस्म है इस तरह, यहाँ पर हमारे पास ब्रेन है और ये हेड एरिया है, हेड है और ये नेक है। तो बेटा 12 जोड़े जो है 12 पेयर्स, यहाँ पर मैं जनरल लिखता हूँ कि 12 पेयर जो है 12 जोड़े इंसानी दिमाग से निकलते हैं और इस हेड एरिया में और नेक एरिया में वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस एरिया का जो सेंसेशन है ये इन 12 जोड़ों की वजह से होता है। बाकी 31 पेयर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारे पास ये स्पाइनल कार्ड है, तो इस स्पाइनल कार्ड से इस साइड पर और इस साइड पर 31 दागनुमा तारों की शक्ल में जो नर्व्स हैं वो अराइज हुए हैं, इमर्ज हुए हैं और कहां पर जाते हैं? टूरिस्ट ऑफ द बॉडी, इंसानी दिमाग के हर हिस्से में फिर ये दागे चले जाते हैं। तो वहां से सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए इंफॉर्मेशन का ले आना दिमाग की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए ये जो है सीएनएस से, मतलब ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को या आर्टिस्ट को ले जाते हैं इफेक्टर्स में। इफेक्टर्स क्या है? ग्लैंड है और मसल्स। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर जो है कमिंग क्लास में और डिटेल पढ़ेंगे।